हेलो दोस्तों, रोजगार सेंटर में आपका हरी स्वागत है। आज मैं आपके लिए वैकेंसी लेके आया हूँ। यह जो वैकेंसी है वह कांस्टेबल की वैकेंसी है और इसमें जो योग्यता रखी गई है वह है केवल 10वीं पास। अगर आपने ITI भी की है तो भी आप ये फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वह 10वीं पास यहाँ पर रखी गई है। अगर आप 10वीं पास है तो आप ये फॉर्म बिल्कुल बिल्कुल भर सकते हैं, वह भी बिल्कुल फ्री में। जी हाँ, यह फॉर्म आपके लिए फ्री है। आपको मैंने पहले बताया था कि ये कांस्टेबल की पोस्ट है, तो इसमें आपको आपको स्टूडियो में कंप्लीट जानकारी मिलेगी। सैलरी कितनी रहेंगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एज लिमिट कितनी है। एज लिमिट देखा जाए तो वैसे तो 18+ है, ठीक है। आपको स्टूडियो में कंप्लीट जानकारी मिलेगी, तो वीडियो को पूरा देखिए। अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। आगे देखते पूरी जानकारी। यहाँ पर देखिए, शस्त्र सीमा बल ने भर्ती निकाली है। पद का नाम है सभी के सभी कांस्टेबल की पोस्ट है, ठीक है। जैसे कि कांस्टेबल कारपेंटर, कांस्टेबल ड्राइवर, कांस्टेबल टेलर, कांस्टेबल कोबलर, कांस्टेबल पेंटर, बार्बर, कुक, वाटर कैरियर, ठीक है। इसमें एक ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे कुछ कांस्टेबल के पोस्ट के लिए आपको यहाँ पे ITI मांगा है। जैसे कि अगर आप कांस्टेबल कारपेंटर के लिए आवेदन करेंगे तो आपको यहाँ पे ITI का डिप्लोमा मांगा है। कांस्टेबल ड्राइवर के लिए आप आवेदन करोगे तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस मांगा है। यहाँ पर अगर आप वाटर कैरियर के लिए अप्लाई करोगे तो यहाँ पे आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा है, मतलब आप यहाँ पे आपको कोई एक्सपीरियंस भी नहीं मांगा है एंड ना ही आपको ITI का डिप्लोमा मांगा है। नीचे यहाँ पे देखिए, टोटल वैकेंसी यहाँ पे दी गई है जो कि है 543, ठीक है। हु कैन अप्लाई? ऑल इंडिया कैंडिडेट्स। यहाँ पे लिखा है अ सिटीजन ऑफ इंडिया ओनली, ठीक है। केवल भारतीय नागरिक ही यह फॉर्म भर सकते हैं। नेपाल भूटान के नागरिक यह फॉर्म नहीं भर सकते हैं। जॉब लोकेशन अक्रॉस इंडिया रहेंगी, जहाँ पे आपको भेजा जाएगा जॉब के लिए वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा। और यह फॉर्म आपको ऑनलाइन भरना है, ठीक है, यह फॉर्म ऑनलाइन है। सैलरी देखिए, सैलरी है यहाँ पे 21,700। ये आपकी स्टार्टिंग सैलरी या फिर बेसिक सैलरी बोल सकते हैं आप, ठीक है। ये आपकी बेसिक सैलरी है और ये है लेवल 3 की सैलरी, ठीक है। नीचे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको लिखा है सिलेक्शन प्रोसेस। पहले आपका एग्ज़ाम होगा एंड देन PET होगा, फिर PST एंड देन मेडिकल एग्ज़ाम, ठीक है। आगे पीछे हो सकता है पर आपका ये सब होना कंफर्म है, ठीक है। एग्ज़ाम होना, PET, PST, मेडिकल टेस्ट होगा, ये आपका कंफर्म है। एज लिमिट देखिए, एज लिमिट है मिनिमम जो है वह 18 वर्ष है और मैक्सिमम 27 वर्ष है। और तो और यहाँ पर 5 साल तक की आयु में छूट भी है, जो कि है SST और OBC वालों के लिए। नीचे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है क्वालिफिकेशन। यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन है वह है केवल 10वीं पास। जी हाँ, यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन हुआ है वह है मिनिमम 10वीं पास एंड यहाँ पे लिखा है 2 ईयर डिप्लोमा इन ITI, ठीक है। पर मैंने आपको पहले ही बोला था सभी पोस्ट के लिए यहाँ पे ITI कंपलसरी नहीं है, कोई भी पोस्ट के लिए केवल 10th पास ही कंपलसरी है। आपको पूरी जानकारी के लिए नोटिफिकेशन देखना पड़ेगा। नीचे यहाँ पे देखिए, फीस की बात करें तो फीस जनरल OBC के लिए 100 रुपये और SST और महिलाओं के लिए यहाँ पे कोई फीस नहीं है। जी हाँ, महिला अगर OBC से आती होंगी या फिर जनरल से आती होंगी तो महिलाओं को कोई फीस नहीं, मतलब भारतीय महिलाओं को यहाँ पे कोई फीस नहीं लगेगी। उनके लिए ये फॉर्म बिल्कुल बिल्कुल फ्री है। SST के लिए भी ये फॉर्म फ्री है। और आप जो पेमेंट 100 रुपीज़, वो आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग थ्रू पे कर सकते हैं। नीचे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है इंपॉर्टेंट डेट। यहाँ पे जो आपकी फॉर्म भरने की लास्ट डेट है वह है 30 डेज, यहाँ पे लिखा है। मतलब यह फॉर्म जो चालू हुआ था वो आप मान सकते हो कि 7-8 को फॉर्म चालू हुआ होगा या फिर 9 तारीख को फॉर्म चालू होगा। इसके जो लास्ट डेट है वह है 8/6/2023, ठीक है। आप मान के चलिए, आप डेट पर ध्यान मत दीजिए। अगर आपको ये फॉर्म भरना है तो आप ये फॉर्म आज या कल में भर लीजिएगा, ठीक है। इसकी जो डेट है वह है 8/6/2023, ठीक है। एंड यहाँ पे आपकी एग्ज़ाम कब होंगी वो आपको बाद में बताया जाएगा, ठीक है। आपको बाद में इन्फॉर्म करेंगे मेल के थ्रू, SMS के थ्रू। यहाँ पे देखिए, नीचे आएंगे तो यहाँ पे लिखा है हाउ टू अप्लाई। यहाँ से आप पढ़ के ये फॉर्म को भर सकते हैं घर बैठे बैठे।
सबसे नीचे यहाँ पे देखिए, ये जो पहले लिंक है वो है अप्लाई करने के लिंक। आप इस लिंक पर क्लिक करके फॉर्म को भर सकते हैं। सेकंड नोटिफिकेशन है, आप पढ़ लीजिएगा फॉर्म भरने से पहले, बहुत ज़रूरी है एंड आपको नोटिफिकेशन पढ़ के ही ये फॉर्म को भरना है। और थर्ड है वेबसाइट। तो आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सबसे पहले वीडियो को लाइक कीजिए। तो मिलते हैं वीडियो में।